तो फील गेम फैमिली, क्योंकि अब स्पाइडरमैन भी क्वालिफाई हो गया है रोमन रेंस के थ्रोन के लिए, इसलिए आज स्पाइडरमैन ने एवेंजर्स को असेंबल किया है ताकि एवेंजर्स की टीम फाइट कर सके टीम ब्लडलाइन से। तो टीम एवेंजर्स में हल्क को काफी गुस्सा आता है, इधर टीम ब्लडलाइन में जेउस को भी काफी गुस्सा आता है। टीम एवेंजर्स में अगर जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज है तो टीम ब्लडलाइन में सैमी ज़ेन के पास भी जादू है रोमन रेंस का दिल जीतने का। तो टीम एवेंजर्स के कैप्टन आयरन मैन है, तो टीम ब्लडलाइन के कैप्टन भी रोमन रेंस है। तो अब बचे स्पाइडरमैन और जिमी उसो, इन दोनों में मुझे बिल्कुल भी एक जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस एक चीज को छोड़कर के दोनों काफी हंसते रहते हैं। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि जिमी उसो और स्पाइडरमैन में कुछ कॉमन है क्या। तो चलिए आज के गेम प्ले स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि क्या एवेंजर्स मिलकर WWE की गेम में WWE सुपरस्टार और टीम ब्लडलाइन को हरा सकते हैं या नहीं। ये है 4-on-4 टैग टीम एलिमिनेशन मैच। रूल्स बताने की जरूरत नहीं क्योंकि फेल आर्मी बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे में जल्दी से बता देता हूँ। एलिमिनेशन ऑन है, ज्यादा पिटोगे तो नॉकआउट हो जाओगे, प्लस पिनफॉल और सबमिशन तो है ही, और रिंग के बाहर काउंट 5 है। तो लास्ट टाइम जब मैंने एवेंजर्स वर्सेस WWE सुपरस्टार किया था उसमें WWE सुपरस्टार जीत गए थे, लेकिन आज इनके साथ स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज भी है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारी पॉसिबिलिटीज देखी होगी, तो 300 करोड़ बार देखा होगा कि कौन सा एक ऐसा मैच है जिसमें वो ब्लडलाइन को हरा सकते हैं। तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ये वो मैच है? स्पाइडी फ्रॉग स्प्लैश के लिए जा रहा था लेकिन रिवर्स कर दिया सैमी ज़ेन ने। सैमी ज़ेन रोमन को प्राउड फील करवाने आया भाई मैच में। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि भाई टीम ब्लडलाइन में आप सोलो सिकावा को लो, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे सोलो सिकावा से ज्यादा इंटरेस्टिंग सैमी ज़ेन लग रहा है। ऐसे आप लोगों को भी लग रहा है तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ। सैमी ने अच्छा पीट दिया स्पाइडी को, रोमन खुश हो रहे होंगे, सही आदमी को ऑनररी यूज बनाया, फिनिशर लगा दिया, हेलुआ किक, नॉकआउट नहीं हुआ लेकिन हेड डैमेज हो गया स्पाइडी का, अभी पिनफॉल नहीं होगा। इतनी जल्दी भी क्या है, सैमी दो फिनिशर लगा ले। आयरन मैन को क्लोज लाइन, आयरन मैन अपने छोटू को बचाने आ गए थे यानी कि स्पाइडी को एक और फिनिशर के लिए लेके जा रहा था, लेकिन स्पाइडी ने रिवर्स कर दिया क्योंकि अब ड्रैग में भी रिवर्सल आ चुका है, तो अच्छा फायदा उठाते हैं सब। फिनिशर देने जा रहा था सैमी ज़ेन ने रिवर्स फिनिशर छीन लिया है, स्पाइडी को कुछ करने ही नहीं दिया भाई। और ये टैग अपने ट्राइबल चीफ को दिया है ऑनररी यूज ने, रोमन आ चुके वी द वंस वाले, 100 डेज रोमन रेंस का। स्पाइडी मार ही जा रहा है रोमन को, ओहो पंचेस पे पंचेस, रोमन क्या कर रहे हो, ऑनररी उसने इतना अच्छा मौका दिया था, एलिमिनेट कर सकते थे स्पाइडी को। स्पाइडी ने यहाँ टैग दे दिया डॉक्टर स्ट्रेंज को, डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करते ये देखना है। घुसने के साथ फिनिशर, ट्रबल इन पैराडाइज, कांड कर दिया रोमन के साथ, लेकिन एलिमिनेट नहीं होंगे रोमन। जिमी उसो ने बचा लिया लेकिन नहीं भी बचाता तो अभी पिनफॉल नहीं होता, रोमन का बॉडी पार्ट डैमेज है नहीं, एटलीस्ट येलो भी होता तो मैं सोचता लेकिन वो भी नहीं था। जिमी उसो से फाइट करने की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर रोमन से फाइट करो ज्यादा अच्छा होगा टीम एवेंजर्स के लिए। गलत आदमी पे ध्यान, ये जो ध्यान भटकता है रेसिंग में से कितना बार जीता हो मैच आदमी हार जाता है, जैसे अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होने वाला है क्योंकि रोमन को होश आ चुका है। रनिंग पावर स्लैम, बूम, लो भाई ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, पंचेस से पंचेस, डॉक्टर स्ट्रेंज सही जा रहे थे, कांड करवा लिया अपना, जिमी पे ध्यान दे रहे थे, पिटाई पड़ रही है। स्पाइडी दिल थाम के देख रहा है कि उसकी टीम हार नहीं जाए कहीं, रोमन के थ्रोन के लिए क्वालिफाइड है। क्लोज लाइन अच्छा मारा था लेकिन लगा नहीं, रोमन गार्ड कर खड़े हुए थे, रोमन ने एक्टिवेट कर लिया गॉड मोड, क्या एक एलिमिनेशन करी के दम लेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज को नीचे उतार के रोमन मुंह पे पंच मारने वाले हैं, रोमन अपनी हेल्थ रिकवर कर रहे हैं, टैग देना चाहिए था लेकिन ज्यादा अच्छा होता, डॉक्टर स्ट्रेंज का हेड येलो कर दिया ऑलरेडी उसको टैग, रोमन अच्छा खासा टैग देने जा रहे थे, फैसला बदल लिया गया, पिनफॉल नहीं होगा, हल्क बचाने आए थे। ओहो भाई हल्क आने का भी वेट करो क्योंकि हल्क करते स्मैश, ऐसे रोमन भी स्मैश करते हैं। ओ भाई लग रहा है कि फर्स्ट एलिमिनेशन डॉक्टर स्ट्रेंज को होने वाला है, एवेंजर्स की टीम को झटका पड़ेगा, सर ऑरेंज हो चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज का भाई। जे उसो के पास भी दो दो फिनिशर, टैग भी मिल गया है, अगर दो उसो स्प्लैश देता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज एलिमिनेट हो जाएंगे, स्पाइडी नहीं देने देगा। अरे स्पाइडी क्या कर दिया, बचा सकता था डॉक्टर स्ट्रेंज को, अब कोई नहीं बचा सकता है, पिनफॉल होगा, स्पाइडी ने बचा लिया है, लेकिन एक और उसो स्प्लैश और डॉक्टर स्ट्रेंज का टाटा, फर्स्ट एलिमिनेशन डॉक्टर स्ट्रेंज, रिवर्स करो वरना टाटा, गए डॉक्टर स्ट्रेंज, गए भाई पिनफॉल हो जाएगा। स्पाइडी को अगर रोक लेता ना सैमी तो पिनफॉल हो जाता, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अब तक पर है, कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं। रोमन और स्पाइडी भिड़ गया, रोमन को नीचे फेंक दिया अपने कॉर्नर में, स्पाइडी मारेगा रोमन को, रोमन स्टंड है, इसका फायदा उठा रहा है स्पाइडी, और हल्क और आयरन मैन भी जा रहे हो भाई हल्क या हाथ साफ करने, नीचे एक अलग फाइट चल रही है 2-on-1, अरे ब्लड, अरे जिमी क्या मदद करने, ओ भाई वापस लौट गया,
हल्क की बॉडी देख के वापस लौटा क्या? अरे डरपोक, मदद करता रोमन की। रोमन को अकेले छोड़ दिया, अब रिंग के अंदर ध्यान देते हैं। जी उसको को पड़ा है ट्रबल इन पैराडाइज। रोमन ने अभी पिनफॉल छोड़ाया भी नहीं था, ये तो ऐसा लगा कि रोमन को देखकर रेफरी ने पिनफॉल करना छोड़ दिया। रेफरी भी एक्नॉलेज कर रहा है क्या रोमन को? ओ भाई टकले रेफरी, बिका हुआ नहीं है ना, चीटिंग नहीं करना मैच में। टीम ब्लडलाइन के पास बहुत अच्छा मौका था डॉक्टर स्ट्रेंज को एलिमिनेट करने का, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अब बाहर गए अपनी हेल्थ रिकवर करने, और फिर से आ चुका है स्पाइडी। स्पाइडी ने ना सिर्फ रिवर्स किया बल्कि फिनिशर सिग्नेचर भी है, कहीं पहला आदमी जे उसको एलिमिनेट ना हो जाए। ये देखो उड़ के अपना कांड स्टार्ट कर दिया, उड़ के क्लोज लाइन। ओके स्पाइडी, ज्यादा उछल कूद सकते हो तो उसका फायदा उठा रहे हो। स्पाइडी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कभी भी जाले बिछा सकता है मैच में। जेउसो क्या क्या कोई बचाने भी नहीं आता है जेउसो को? यार ये रियल लाइफ में सब जेउसो से गुस्सा हो रहे हैं ठीक है, लेकिन गेम के अंदर बचाने भी नहीं आ रहे हैं। कुछ मिक्सअप है क्या? ये जा भाई टैग दे दे, आयरन मैन आ रहे हैं। अब ये लग रहा नहीं है कि टैग दे पाएगा, आ चुके आयरन मैन और फिनिशर देने जा रहे थे, लेकिन जे ने अपना सिग्नेचर लगा दिया सुपर किक। फिनिशर के लिए जाएगा क्या जेउसो? पर पहले आयरन मैन को गिराना होगा। आयरन मैन को कुछ करने ही नहीं दे रहा है, दूसरे के साथ सिग्नेचर पिनफॉल नहीं, अभी कहां फिनिशर तो दे दे। सैमी देखा पिनफॉल के टाइम पे आ जाता है, लेकिन जब जेउसो का पिनफॉल होने लगता है तब पता नहीं कहां रहता है। स्पाइन बस्टर, ओ हो हो हो, फिनिशर के लिए कैसे तो नहीं जा रहा है। आयरन मैन रिवर्स, ओके खून भी निकाल दिया आयरन मैन का। एवेंजर्स देख रहे हैं गुस्से में, डॉक्टर स्ट्रेंज क्या ये वो मैच नहीं था जिसमें एवेंजर्स जीतेंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा नहीं कि एवेंजर्स जीतने वाले हैं। तीन एवेंजर्स पिट गए हल्क को छोड़कर, रोमन के पास दो फिनिशर एक सिग्नेचर, कभी भी पड़ सकता है फिनिशर। और स्पियर, कैसे तो एलिमिनेट नहीं हुआ आयरन मैन, पिनफॉल कर रहे फ्री। देख स्पाइडरमैन के पैर से लग गया, पिनफॉल नहीं हुआ। रेफरी तू अपना काम किया कर ना, पैर से लगा उतना क्या दिखता है? आयरन मैन की सूट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या? क्योंकि जब से टैग मिला है एक भी रिवर्सल नहीं, फाइनली नहीं अभी भी रिवर्सल नहीं किया। ओ भाई क्या दिक्कत है, ऐसे चलता रहा तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमिनेशन इस मैच का। रोमन नहीं हल्क नहीं करने देगा, हल्क के सामने नहीं कर पाए। अपने रिंग के कॉर्नर से हमेशा कूदना चाहिए, कोई आएगा नहीं गिराने। एक और फिनिशर, आयरन मैन एलिमिनेट हो जाएंगे। स्पीयर गिलेटिन कुछ भी, फाइनली जाकर अब आयरन मैन ने रिवर्स किया है। भागना चाहिए टैग देने के लिए वरना एक एलिमिनेशन हो जाएगा। ओ भाई स्पाइडी के मूव सीख लिए आयरन मैन ने, खतरनाक स्पाइडी ने। ओके खड़े खड़े शूटिंग स्टार प्रेस, रोमन की भी बॉडी येलो कर दिया आयरन मैन ने, और स्पाइडरमैन के मूव्स पता नहीं क्यों दिए जा रहे। आयरन मैन जा रहे अब टैग देने, रोमन को भी टैग देना चाहिए। जादूगर भाई साहब आ चुके हैं, और इधर ब्लड लाइन के भी जादूगर आ चुके हैं, सबका दिल जीतने वाले जादूगर सैमी ज़ेन, ऑनररी यूज। कौन जादूगर भारी है? दोनों टीम में से लगता है कोई एक जादूगर एलिमिनेट होने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज का खून भी निकल गया है। सैमी के पास दो फिनिशर एक सिग्नेचर, फर्स्ट एलिमिनेशन स्टंट, यही मौका है सैमी ज़ेन। रोमन प्राउड फील करेंगे, एलिमिनेट कर सकता है। ऑनररी यूज, हेलुआ किक के लिए जा, अभी मौका तो पता है एक घंटा लेके जाएगा, कोई ना कोई टैग ले लेगा। अच्छा अपने कॉर्नर में लेके जा रहा है, पहले ही दे देना चाहिए था, बहुत वेट करके नहीं दे पाया। वाह एक घंटा टाइम लगाया और नहीं दे पाया, अभी तक एक एलिमिनेशन नहीं हुआ। अरे खतरनाक, अच्छा खासा लंबा चल गया मैच। स्पाइडी आ रहा है, लगता है एक एलिमिनेशन अब होगा। टीम ब्लडलाइन का जादूगर जाएगा क्या? ओके सैमी ने हलुआ किक लगा दिया, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा? स्पाइडी अभी डैमेज ही नहीं है। सैमी एक आध फिनिशर और लगाना होगा तब जाके कुछ हो सकता है, फिलहाल एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है। और गया, बच गया सैमी से, फिनिशर लगाया था स्पाइडी ने। सैमी ने किक आउट तो कर दिया, लेकिन स्पाइडी के पास सिग्नेचर भी है। सिग्नेचर के लिए जा रहा है, चला गया। फर्स्ट एलिमिनेशन नहीं हुआ अभी तक, सैमी ज़ेन बचा हुआ है। स्पाइडी के पास फिनिशर आ चुका है, और एक और फिनिशर, अब तो टाटा होना ही है, पिनफॉल हो जाएगा। कोई बचाने नहीं, रोमन आए लेकिन तब तक पिनफॉल हो गया था। ओ हो भाई, फर्स्ट एलिमिनेशन टीम ब्लडलाइन की तरफ से। एवेंजर्स कांड कर रहे हैं, लग रहा था कि एवेंजर्स की टीम में से फर्स्ट एलिमिनेशन होगा, लेकिन टीम ब्लडलाइन से ऑनररी ऊस निकल चुके हैं। टीम ब्लडलाइन के फैंस क्या लगता है, 4-on-3 में टीम ब्लडलाइन जीत पाएगी? रोमन जे और जिमी हारे हुए मैच को पलटेंगे क्या? रनिंग बुलडॉग के लिए जा रहा है स्पाइडी। रोमन की बॉडी भी ऑरेंज हो गई, रोमन एलिमिनेट हुए।
तो समझ लो कि ब्लड लाइन का मैच गया, फिर कोई नहीं बचा सकता ब्लड लाइन को। रोमन जब तक है तब तक 1v4 का भी चांस है, लेकिन रोमन एक बार गया खत्म खेल। पिनफॉल, अरे कोई बचाने भी नहीं आ रहा है। अच्छा जी और जिमी को यकीन था कि रोमन किक आउट कर देंगे, वन में कर दिया भाई। द किंग ऑफ 2K22 रोमन रेंस और फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुए हुए स्पाइडरमैन, दोनों फेस टू फेस थे, लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को टैग मिल गया। लगता है ये वही एक मैच है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा होगा जिसमें एवेंजर्स जीतेंगे, लेकिन रोमन ने सुपरमैन पंच लगा दिया है और साथ साथ स्पीयर भी। डॉक्टर स्ट्रेंज हटा तो टीम ब्लडलाइन ने हारी हुई बाजी को फिर से बराबरी पे लेते आए और हल्को गुस्से के साथ गिलिटीन। ओ भाई रोमन काफी गुस्से में, हल्क स्मैश क्या करते, रोमन ने पहले स्मैश कर दिया है, गिलिटीन लेके बैठ गया भाई, वो भी खतरनाक वाला गिलिटीन था। हल्क बच गया है, रोमन की बॉडी लाल हो चुकी है, रोमन को अब संभल के खेलना होगा, कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं एक फिनिशर से भी या फिर सिग्नेचर से भी। रोमन को जाना चाहिए टैग देने, सही जा रहा है ब्लड लाइन के लिए। अभी देखो रोमन ने समझदारी, इसीलिए किंग बने हुए भाई, तुरंत टैग दिया जिमी उसो को। जिमी और हल्क कैसे थे इस मैच में, इन दोनों की हेल्थ अच्छी खासी बची हुई थी, लेकिन अब दोनों अंदर आ चुके हैं। हल्क को एक फिनिशर पड़ा हुआ है लेकिन बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है, लगता है जिमी उसको डैमेज कर देगा हेड येलो। तो फिलहाल ये मैच फिर से 3-on-3 का बन चुका है। आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज ने गलत मैच देखा था, ये मैच में ब्लड लाइन जीतने वाले हैं। फिनिशर हल्क एलिमिनेट, उसो स्प्लैश एलिमिनेट नहीं हुए लेकिन अच्छे खासे डैमेज हो गए हैं। हल्क को ना पूरा उछाल के फेंक देना चाहिए था, ऐसा कुछ बनाना चाहिए गेम में। एक और फिनिशर हल्क रिवर्स वरना टाटा, हल्क को एलिमिनेट कर दिया, वॉइस ऑफ खतरनाक थे हल्क, हल्क को एलिमिनेट कर दिया इतनी आसानी से। रोमन और जिमी उसो ने मिलकर हल्क बीच में अटैक अब हल्क कटेंगे तब ना स्पाइडी और जिमी उसो लड़ेंगे। तो ये मैच पहले 4-on-3 था जिसमें 3 ब्लड लाइन थे, लेकिन अब 3-on-2 हो गया है और सिर्फ 2 एवेंजर्स बचे हैं, यानी कि अभी फिलहाल ब्लड लाइन ये मैच जीत रहे हैं। एक और एलिमिनेशन कर दिया टीम ब्लड लाइन ने, तब समझ लो कि टीम ब्लड लाइन जीत गई। ये हारा हुआ मैच, स्टार्टिंग में हार रहे थे लेकिन अभी कांड हो गया है। आयरन मैन और स्पाइडरमैन बचे भाई, इन दोनों की जोड़ी किसको नहीं पसंद थी एवेंजर्स मूवी में, गेम के अंदर ये दोनों मिलकर कांड करेंगे क्या? दोनों के मूव्स भी सेम हो गए आजकल, ये देखो रनिंग बुलडॉग सेम स्टाइल में। ये आयरन मैन का कॉपी स्पाइडरमैन ने किया या स्पाइडरमैन का कॉपी आयरन मैन ने किया? फिनिशर्स भी सेम है क्या दोनों के? स्पाइडी को टैग मिल गया, अच्छा खेल रहे हैं ये दोनों टैग दे देकर ताकि थोड़ा देर आराम करें और सामने वाला मारते रहे। सिग्नेचर स्पाइडी ने सिग्नेचर लगा दिया है, बॉडी येलो, जिमी की पिनफॉल नहीं होना चाहिए लेकिन फिनिशर आ चुका है स्पाइडी के पास। स्पाइडी गलत आदमी पे फोकस, यही सब कभी कभी ना मैच हरवा देता है, ध्यान ही नहीं देना चाहिए। खड़े खड़े शूटिंग स्टार प्रेस, स्पाइडी ने वाट लगा दी जिमी उसो की, कुछ करने ही नहीं दे रहा है। लो भाई रिंग के ऊपर जा रहा है, टॉप रोप के ऊपर उछल कूद बचा दी स्पाइडी ने, फिनिशर दे, शायद जिमी एलिमिनेट हो जाए। टैग मिला है, जेउसो आ रहे हैं, एवेंजर्स ने अपने लिए अच्छा मोमेंटम बना लिया है, लेकिन जेउसो आ चुका है, उड़ के क्लोज लाइन मारा भाई। फिनिशर है जे के पास, फिनिशर लगा है, अगर स्पाइडी को एलिमिनेट कर दिया तब तो आयरन मैन डैमेज ही है, उनको एलिमिनेट करना थोड़ा आसान होगा। जेउसो उस सिग्नेचर के लिए जाना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा इस मैच में डैमेज को ने पता है रोमन रेंस, क्योंकि बॉडी येलो हो गई है, सुप्लेक्स दे रहा है, ऐसे अच्छे सिग्नेचर देता हूँ। आयरन मैन को टैग मिला, कांड हो जाएगा, बचा लिया जी ने। टीम ब्लड लाइन की जीत एकदम हाथ में, थोड़ा सा सही जाएंगे ना कोऑर्डिनेशन के साथ। स्पाइडी का हेड भी ऑरेंज कर दिया है, फिनिशर के लिए जा रहा है जी उसको, स्पाइडी को एलिमिनेट करेगा क्या? बच गया स्पाइडी, बॉडी ऑरेंज हेड ऑरेंज। आयरन मैन को रोक लेते तो शायद पिनफॉल हो सकता था। वी द वंस वाले अरे गलत आदमी को सिग्नेचर दिया है, आयरन मैन को सिग्नेचर देने की जरूरत थी नहीं, स्पाइडी अकेले इस बार ही आयरन मैन बचाने नहीं आ पाएंगे। स्पाइडी अगर मैच जीतना है तो एक एलिमिनेशन करना होगा, स्पाइडी अगर एक एलिमिनेशन कर देता है ना बात बराबरी पे आ जाएगी, फिर 2-on-2 हो जाएगा। फिनिशर के लिए जा रहा है क्या स्पाइडी? ओके फ्रॉग स्प्लैश, ओ नहीं मूनसॉल्ट, जी उसको फुल डैमेज हो रहा है, बॉडी येलो हेड येलो, पिनफॉल नहीं होगा लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, दो पार्ट डैमेज हो तब ट्राई कर सकते हो, न्यू अपडेट के बाद आजकल पिनफॉल होने लगा है। स्पाइडी ने अपने तरफ मोमेंटम शिफ्ट कर लिया, लेकिन दिक्कत है ना कभी भी ब्लड लाइन में 3 आदमी और इधर रिवर्स भी हो गया, एक तमाचा खींच मारा भाई जी उसो ने, गर्दन तोड़ी और जा रहा अटैक के लिए, क्या पिट गया जा अटैक के लिए,
देखो खुद भी नहीं गया और आयरन मैन तो आई थिंक स्टंड है नीचे, वो तो आ ही नहीं रहे। आयरन मैन कहाँ चले गए? स्टंड है या क्या हो गया आयरन मैन के साथ? ग्लिच हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, उठ गया आयरन मैन, को होश आ गया है और इधर जे उसको कुटाई करने लगा है भाई स्पाइडी की। सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, बॉडी लाल सर लाल, एक फिनिशर, स्पाइडी एलिमिनेट हो जाएगा। वो तो कैसे स्पाइडी उठ गया और दोनों का मिस, दोनों एक साथ मिस किया दोनों ने। ड्रॉप किक फिनिशर के लिए जा रहा है क्या स्पाइडी? क्या लगता है अगर ये रिवर्स नहीं ना कि स्पाइडी टाटा बोल दो मैच को। बूम बचा लिया, ये लगता ना डेफिनेटली गया था। स्पाइडी के पास तीन फिनिशर, स्पाइडी ने अपना पहला फिनिशर लगा दिया है। बॉडी ऑरेंज सर ऑरेंज, ये उसकी पिनफॉल तो बचा लिया लेकिन नॉकआउट अभी भी कर सकता है स्पाइडी। एक और फिनिशर देने जा रहा है, एक और फिनिशर देने जा रहा है, ये छोटू कांड करने वाला है। फिनिशर लगा दिया जे उसो टाटा, मैच बराबरी पे आ चुका है फिर से भाई। ये पता नहीं क्या हो रहा है, कभी इधर जा रहा है मोमेंटम, कभी इधर जा रहा है। दो एवेंजर्स बचे हैं, दो ब्लड लाइन के मेंबर्स बचे हैं और दोनों गलत आदमी लोग मार रहे हैं। लीगल आदमी जिमी उसो और स्पाइडरमैन है आई थिंक। हाँ स्पाइडरमैन तो है और लीगल आदमी जिमी उसो है। स्पाइडी गलत आदमी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, रोमन की जगह जिमी उसो पे कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि काउंट आउट सिर्फ 5 का है, काउंट आउट हो जाओगे याद रखना। जिमी उसो देखो आयरन मैन को मार रहा है, अरे लीगल आदमी स्पाइडी है भाई। हाँ अब दोनों आए आपस में, दोनों एक साथ मत हो जाना काउंट आउट। ये बहुत कमी ऐसा होता है कि आखिर तक नहीं समझ में आ रहा है कि जीतेगा कौन। रोमन और जिमी बचे इधर, आयरन मैन और स्पाइडरमैन और काउंट आउट चालू है अभी भी। जा जिमी अंदर जा, स्पाइडी भी आ ही जाएगा, स्पाइडी अंदर जाना डायरेक्ट। गलत टाइम फोकस मारने का, बहुत ही गलत टाइम था। और गया जिमी भी, जिमी टाटा हो सकता है, हो सकता है। अच्छा रोमन बचाने भी नहीं आ रहे थे कैसे, तो जिमी उसो ने किक आउट कर दिया रोमन। अगर जिमी गया ना फिर 1-on-2 मैच करना होगा और आयरन मैन के पास तीन तीन फिनिशर है। गया जिमी, अब बात बराबरी से हटकर एवेंजर्स की जीत अब सामने आ चुकी है। एक फिनिशर लगा रोमन को, रोमन एलिमिनेट हो सकते हैं। बॉडी लाल है, हेड येलो है। ये मैच बड़ा खतरनाक रोलर कोस्टर मैच है, कभी एक टीम के लिए ऊपर जा रहा है तो कभी दूसरी टीम के लिए ऊपर जा रहा है। ये हो क्या रहा है मैच में? 2-on-1 कर देंगे क्या रोमन? कांड और फिनिशर को रिवर्स किया है, फिनिशर रिवर्स कर दिया रोमन ने। दो फिनिशर रोमन के पास, एक सिग्नेचर भी। एक फिनिशर लगाए तो आई थिंक आयरन मैन एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन लगाने देंगे तब ना। एक और फिनिशर क्या? ओ भाई लास्ट टाइम भी रोमन ने यही मिस कर दिया था। ये जो आयरन मैन लगाते हैं ना उल्टा, ओके ये भी शूटिंग स्टार प्रेस दे रहे। स्पाइडी को टैग मिला, स्पाइडी को भी एक फिनिशर देंगे रोमन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, सब एक एक ही फिनिशर के मेहमान है। पिनफॉल नहीं मतलब, हाँ पिनफॉल कहां से हो जाएगा, अभी फिनिशर तो देना पड़ेगा, बिना फिनिशर के पिनफॉल होना मुश्किल है। फिर से आयरन मैन को टैग, दोनों एक एक करके आ रहे हैं। ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स एलिमिनेट हो गए, रोमन को अकेला छोड़ दिया है। रोमन जा रहे सुपरमैन पंच और स्पीयर के लिए, रिवर्स कर दिया भाई आयरन मैन ने। ओके मेन टाइम पे कांड और फिनिशर, रोमन गए नहीं, पिनफॉल हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। रोमन ने किक आउट कर दिया, ओ भाई मैच ट्विस्ट पे ट्विस्ट लिए जा रहा है, क्या हारा हुआ मैच। एक और फिनिशर रिवर्स स्पीयर, लेकिन आयरन मैन भी बच गया। पिनफॉल करवाने देगा नहीं स्पाइडी, स्पाइडी नहीं करने देता पिनफॉल। रोमन ने कुछ यूनिक करना होगा, स्पाइडी को लगा दिया गिलिटीन। रोमन ने गॉड मोड लगता है एक्टिवेट कर लिया है, स्पाइडी को गिलिटीन, लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि लीगल आदमी नहीं है। दोनों को डैमेज कर दिया रोमन ने अकेले। अगर ब्लड लाइन टीम और साथ देती ना तो अभी 1-on-1 होते रहता या फिर 2-on-1 रोमन की तरफ से होता, लेकिन रोमन अकेले ही दोनों को एलिमिनेट करने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं, खड़ा करके ड्रॉप किक या क्लोज लाइन? क्लोज लाइन मारा है भाई उड़ के। रोमन दोनों को एक एक करके मार रहे, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन मैच के एंड में सही नहीं है। स्पाइडी को लगता है बाहर फेंकना चाह रहे हैं, ओके ताकि बचाने नहीं आ पाए, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा हुआ आयरन मैन को, एक फिनिशर लगाया। रोमन अब एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत पिट गया है, सर भी ऑरेंज है बॉडी भी लाल है। सिग्नेचर है आयरन मैन के पास, सिग्नेचर दिया नहीं कैसे, तो पूरा टाइम पास कर रहे रोमन के साथ। इसमें डबल रिवर्सल आई थिंक नहीं आता है। इसी के साथ आयरन मैन के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर दोनों आ चुका है। फिनिशर के लिए जा रहे क्या आयरन मैन? फिनिशर के लिए चले गए, रिवर्स नहीं किया रोमन ने, बूम खत्म। तो टीम ब्लडलाइन का जीता हुआ मैच टीम एवेंजर्स ने जीत लिया है। लास्ट टाइम एवेंजर्स हार गए थे WWE सुपरस्टार से, लेकिन आज टीम एवेंजर्स जीते हैं भाई।
स्पाइडी की टीम जीती है, आयरन मैन की टीम जीती है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने सही फ्यूचर देखा था, इसी मैच का फ्यूचर देखा था। और ये देखो डॉक्टर स्ट्रेंज काफी खुश भी है। तो इसी के साथ भाई सस्ता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस यानी कि आज का गेम प्ले खत्म होता है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना भाई, और इसी तरह की उट पटांग मैचेस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर ही लेना।